बिहार में सर्वसम्मति से जातीय जनगणना के मामले के बाद अब बिहार में जातिगत जनगणना कराने की कवायदात जो है वो तेज हो गई है और अब संभवतः ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही बिहार में जातीय जनगणना शुरू हो जाएगी। बिहार में होने जा रही जातीय जनगणना में पटना सहित सभी जिलों में 204 जातियों की गिनती की जाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 204 जातियाँ होने की सूची पटना सहित सभी जिलों को उपलब्ध कराई गई थी। साथ ही सुझाव मांगा गया था कि अगर कहीं से ज़्यादा जातियाँ हैं तो इसकी जानकारी अवश्य दी जाए। इसी आधार पर पटना डीएम ने इनके सत्यापन के लिए सभी बीडीओ और सीओ को पत्र भेजा था। प्रखंड से आई रिपोर्ट के अनुसार पटना जिले में 204 जातियों के लोग निवास करते हैं। गौर हो कि सामान्य प्रशासन विभाग के स्तर से वर्गवार जातियों की सूची के आधार पर सभी जिलों में जातियों की गणना होगी। सरकारी दस्तावेज में दर्ज जातियों की संख्या अनुसार अनुसूचित जाति वर्ग में 22, अनुसूचित जनजाति एसटी वर्ग में 32, पिछड़ा वर्ग में 30, अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी वर्ग में सबसे ज़्यादा 113 और उच्च वर्ग में सबसे कम 7 जातियाँ यहाँ निवास करती हैं। अब तक के रिकॉर्ड के मुताबिक राज्य में अधिकतम 204 जातियाँ ही मौजूद हैं। इस सूची के आधार पर सभी जिलों में यह गिनती की जाएगी। किस जिले में किस वर्ग की कितनी जातियाँ हैं इसके तहत अलग अलग जिलों में जातियों की संख्या उनके वर्ग के आधार पर भिन्न हो सकती हैं। गणना के बाद ही स्पष्ट हो जाएगा कि वर्तमान में राज्य में मौजूद जातियों की संख्या कितनी है। यह 204 जाता से ज़्यादा इससे कम भी हो सकती है। साथ ही यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि किस जाति की आबादी कितनी है। जाति की गणना डिजिटल माध्यम से होगा। प्रगणन के अनुसार जो जनगणना कर्मी होंगे उनके पास एंड्रॉयड फ़ोन होगा। इसमें मौजूद एक खास ऐप में हर घर के लोगों का पूरा विवरण भरा जाएगा, जिससे जाति व उपजाति का अलग से कॉलम रहेगा। गणना के बाद जो गणना कर्मी होंगे इसे सबमिट करेंगे तो इसे ब्लॉक में किस जाति के कितने लोग हैं और उनका विवरण क्या है इसका पूरा ब्यौरा एक स्थान पर एकत्र हो जाएगा। 700 की जनसंख्या पर एक गणना ब्लॉक बनेगा। इससे ज़्यादा संख्या होने पर उप ब्लॉक बनाया जाएगा। 4000 से अधिक गणना खंड पटना जिले में बनाए जाएंगे। हर जिले के डीएम को जाति आधारित गणना का नोडल सह प्रधान गणना अधिकारी बनाया गया है। पटना जिले में गणना के लिए डीडीसी की अध्यक्षता में कोषांग गठित किया जाएगा। इस कोषांग में अपर समाहर्ता राजस्व जिला सांख्यिकी पदाधिकारी शामिल हैं। पटना में 23 प्रखंड है, 1 नगर निगम, 12 नगर परिषद, 4 नगर पंचायत और 1 छावनी परिषद है। पटना के जिला सांख्यिकी पदाधिकारी ने बताया कि अकेले पटना जिले में 4000 से अधिक गणना खंड बनाए जाएंगे। जाति गणना शुरू करने को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग के स्तर से आवश्यक दिशा निर्देश का भी इंतजार है। इससे पहले की प्रशासनिक तैयारियां जिला स्तर पर चल रही हैं। तो कुल मिलाकर के 204 जातियों की गणना होनी है। ये ऐसा डाटा मिला है कि पटना में भी 204 जातियाँ रहती हैं, इनकी गणना कराई जाएंगी। तो जातीय जनगणना को लेकर के कवायदात अब धीरे धीरे तेज होते नज़र आ रही है और जल्द ही बिहार में जाति आधारित जनगणना की शुरुआत हो जाएगी।